अब हेयर ग्रोथ करना कितना मुश्किल है आप सबको पता है। और हेयर ग्रोथ करने के लिए हमें बहुत सारे मतलब परेशानी झेलने पड़ते हैं। और जिसका हेयर चले गए हैं वो तो जानते हैं कि हेयर जाने के बाद कैसा फील होता है, कितना लोग मजाक बनाते हैं। तो तो आप क्यों ना पहले ये कुछ सुधार करें कि मेरा हेयर जाने से पहले मैं कुछ कर लूँ, कुछ अच्छे काम कर लूँ जो कि मैं अपने ऊपर चेंज कर लूँ, जो कि मेरा हेयर जाए ना और जो गए हैं वो ऊपर मतलब दोबारा आ जाएँ। तो इसी के ऊपर आज के वीडियो में बात करेंगे। और देखिए मिनोफ्रिल एक लास्ट ऑप्शन है हमारा हेयर ग्रोथ के लिए, यानी कि मिनोफ्रिल 5% मिनटों का मैं बात कर रहा हूँ जो कि आपको हेयर ग्रोथ करने में मदद करते हैं। और डर्मा रोलर 0.5 mm का ले लेना है जो कि दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। लो प्राइस में मिलेगा मतलब पूरा लो नहीं है दोस्तों, मिनोफ्रिल का थोड़ा हाई प्राइस लगेगा। मिनोफ्रिल आपको ओरिजिनल चाहिए और मिनोफ्रिल ओरिजिनल पाने के लिए सही लिंक होना चाहिए। और सही लिंक मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ से बाय कर लेना है। और यूज़ कैसे करना आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपने हेयर जो बड़े बड़े रखे हैं उसको ट्रिम करो। ट्रिम करने के बाद जब उसे अच्छे तरीके से जब शैम्पू से वॉश कर लेना है, फिर उसको अच्छे से सूखा लेना, तभी आप मिनोफ्रिल ड्रॉपर से ड्रॉपर आता है स्प्रे आता है जिससे आपको हेल्प ज़्यादा मिले, आप उससे इसको यूज़ कर सकते हो। जब अच्छे तरीके से यूज़ कर लोगे फिर उसको सूखा लोगे। याद रखना दोस्तों मैंने मिनोफ्रिल के बारे में बता रहा हूँ, ये मिनोफ्रिल का था। अगर डर्मा रोलर यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले वॉश कर लेना है, फिर मतलब अपने हेड को हेयर को वॉश करके अपने डर्मा रोलर को भी वॉश करके ही यूज़ करना है। डर्मा रोलर जब वॉश कर लोगे मतलब थोड़ा हॉट वाटर में या फिर सैनिटाइजर है तो और अच्छा, तो आप वहाँ से वॉश करके इसको यूज़ करना है। और जब यूज़ कर लोगे जब थोड़ा ज़्यादातर भी नहीं रगड़ना, बस हल्का फुल्का 1 से 2 मिनट तक आपको रोल करना है, फिर वहाँ पर मिनोफ्रिल अप्लाई करना है। और डर्मा रोलर ऐसा चीज़ है दोस्तों आपको डेली यूज़ नहीं करना है, मिनोफ्रिल तो डेली यूज़ करना है 1 टाइम या फिर 2 टाइम, लेकिन डर्मा रोलर वीक में 2 से 3 बार यूज करना है। और हो सके तो अपने आसपास के जो अच्छे खासे डॉक्टर हैं हेयर के बारे में हेयर तो उससे आप सलाह ले सकते हो, बेटर रहेगा। पर आपको 3 से 4 महीने यूज़ करोगे हेयर ग्रोथ के लिए मिनोफ्रिल तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हेयर ग्रोथ के बारे में बताया, अब जो हेयर जा रहे हैं जो मेरा पहले जा रहे थे वो तो रुक ही जाएंगे। अगर आपको हेयर नहीं उगाना है मतलब चलो आपको सोच लिया मेरा जो गया गया मैं आप इसको रोकूंगा, तो उसके लिए आपके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, यानी कि आपको अच्छे डाइट कर देना है। सुबह उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करो, और सबसे मेन चीज़ है हेडेक, हेडेक नहीं लेना है, यानी कि परेशानी में जब उलझ रहे हो उसको क्लियर कर देना। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो हेयर का प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं खान पान और टेंशन से आते हैं, तो अपने खान पान को बेटर करो और टेंशन में नहीं आना है तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रखना है। तो ये सब में आप लोग को बहुत सारे मदद मिलती है, जो हेयर जो जाते हैं वो रुक जाते हैं। और ऊपर से आपको एक अच्छे से हेयर ऑयल भी लेना है, एक मामा अर्थ का हेयर ऑयल आता है काफ़ी बेटर है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जो कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए आप कोई आम का ऑयल यूज़ करते हो तो कोई भी ऑयल यूज़ करते हो तो आपका अगर हेयर जा रहा है तो आप हेयर का ही ऑयल यूज़ करें बेटर रहेगा।